खो दिया तुम्हें तो पास अपने क्या रहेगा, खो दिया तुम्हें तो पास अपने क्या रहेगा, कौन फिर बारूद से संदेश चंदन का कहेगा, कौन फिर बारूद से संदेश चंदन का कहेगा। मृत्यु तो नूतन जन्म है, हम तुम्हें मरने न देंगे, हम तुम्हें मरने न देंगे। गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले गोपाल दास नीरज जी की ये पंक्तियाँ उनकी पुण्यतिथि पर याद आती हैं। आज भले ही वह हमारे बीच में नहीं हैं, मगर उनकी हर कविता हर गीत हमारे जेहन में आज भी जिंदा है और तब तक जिंदा रहेगा जब तक यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले लोग रहेंगे। आज उनके पुण्यतिथि पर उनका लिखा एक गीत आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक शक्ति आंसुओं का कारवां रह जाएगा। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा। प्यार की धरती अगर बंदूक से बाटी गई, प्यार की धरती अगर बंदूक से बाटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियाँ रह जाएगा। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा। आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब न ये बस्ती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा। गर चिरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई, गर चिरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई, रोशनी मर जाएगी बाकी धुआं रह जाएगा। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा। आएगा अपना बुलावा जिस घड़ी उस पार से, आएगा अपना बुलावा जिस घड़ी उस पार से, मैं कहाँ रह जाऊंगा और तू कहाँ रह जाएगा। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा। सिर्फ धरती ही नहीं हर शय यहाँ गर्दिश में है, सिर्फ धरती ही नहीं हर शय यहाँ गर्दिश में है, जो जहाँ अब है नहीं वो कल वहाँ रह जाएगा। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा। जिंदगी और मौत की नीरज कहानी है यही, जिंदगी और मौत की नीरज कहानी है यही, फिर उड़ जाएगी चिड़िया आशियाँ रह जाएगा। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा। एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा। दोस्तों, ये थे पद्म भूषण से सम्मानित साहित्यकार गीतकार कवि गोपाल दास नीरज जी, जिनके अनमोल यादों के बीच से हमने एक चुनिंदा रचना आप लोगों के बीच में रखी। हम अगले एपिसोड में एक नए कवि एक नए शायर के साथ आप लोगों के बीच में उपलब्ध होंगे। तब तक आपसे इल्तिजा है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।